गेस व्हाट, आज मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ हवा भाई। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? आप इसे यहां पर क्यों लेकर आए? अलिया, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया। मेरे लिए? हाँ अलिया, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुमसे हद से ज्यादा काम करवा रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भारी पड़े। लुक एट योरसेल्फ, कितनी स्ट्रेस ले रही हो, तुम्हारा चेहरा कितना डल हो गया है। अब तुम्हारे काम में ये तुम्हारी मदद करेगी एज माय सेक्रेटरी। भाई कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आई नो तुम हैंडल कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता ना आलिया। कोई स्ट्रेस नहीं है भाई, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट मुझे तो आपका काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हैंडल कर लूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। और आप तो जानते हैं मेरी आदत कैसी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे। प्रॉब्लम क्या है इसमें? म्यूजिक का सेंस है इसके पास, पोएम लिख लेती है। अरे थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दूंगा तो मेरे लिए लिरिक्स लिख लेगी, मैं तो बस फिर गाना गाने स्टूडियो पहुंचूंगा, है ना? ऑल इन वन सिक्योरिटी कहां मिलेगी मुझे? प्रज्ञा अभी के सामने थी और अभी बिल्कुल ठीक था, इसका मतलब ये हुआ कि प्रज्ञा के होने ना होने से अभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उसने कुछ सोचा, ना हमसे कुछ सवाल किया। मुझे तो लगता है अभी बिल्कुल भूल गया है कि प्रज्ञा उसकी पत्नी थी और वो उससे प्यार करता था। आज ना दीदी, प्रज्ञा उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है, सिर्फ उसकी एक फैन है वो। मैं जानती हूं कि आप क्या सोच रही होंगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने कभी उनके सामने आने की या उनसे बात करने की कोशिश तक नहीं। एक महीने तक मैं उनसे, घर से, आप सबसे दूर रही, अलग अकेले अपनी जिंदगी जीती रही। आपसे किया हुआ वादा मैं एक पल के लिए भी नहीं भूली था थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत किसी तरह उन्हें मेरे सामने ले ही है। दादी मैं सच कह रही हूँ, जब वो मेरे सामने आए भी तब भी मैंने कोशिश की कि मैं उनके सामने ना हूँ या कहीं वो मुझे ना देख ले, लेकिन मजबूरन मुझे उनके सामने आना पड़ा। लेकिन जब मैं उनसे मिली तब मुझे पता चला कि मेरे उनके सामने आने से उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ना उनके दिमाग पर कोई जोर पड़ता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करती। उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, लेकिन दादी वो मुझसे बातें करते हैं इसका मैंने कभी गलत फायदा नहीं उठाया। कभी उन्हें कोई भी चीज याद दिलाने की कोशिश नहीं की, मैं सच कह रही हूं। मैंने सुन लिया जो तूने कहा, माना कि तू वहां नौकरी करती थी और तेरे हाथ में कुछ नहीं था, पर अब क्या हुआ जब अभी ने तुझे अपनी सेक्रेटरी की जॉब ऑफर की तो तूने मना क्यों नहीं किया? जब उसने इस घर में आने को कहा तो यहाँ आने के लिए राजी क्यों हुई? पता नहीं है तुझे, तेरे यहाँ आने से तेरे साथ जुड़ी कई कहानियां बाहर आ जाएंगी। मुझे नहीं पता था वो मुझे यहाँ ला रहे, मैं खुद हैरान थी जब उनकी गाड़ी यहां आकर रुकी। आप मुझे यहां क्यों लाए? ये तो आपका घर। घर तो मेरा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता है मेरा घर है? तुम पहले आ चुकी हो क्या? मैंने पढ़ा था मैगजीन में। ओ, मैगजीन बहुत पढ़ती हो ना, इसलिए चश्मा लगाया तुम्हें। मजाक छोड़िए, आप मुझे जॉब के लिए ले जाने वाले थे। हाँ तो जॉब के लिए तो लाए हो, आज से तुम इसी घर में जॉब करोगी। चलो, चलो। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं इस घर के अंदर आने से मना करती तो उन्हें क्या वजह देती? आप बताइए मैं क्या करती, उन्हें सच बता देती या उनसे किया हुआ वादा तोड़ देती?
जो कुछ आपको बता सकती थी मैंने बता दी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे, आप मुझे माफ कर दीजिए दादी। मुझे लगा था कोई और ना सही, पर दादी मेरी बात जरूर समझेंगी, लेकिन वो तो मुझसे बहुत नाराज है। नहीं अब कैसा दिखता होगा कमरा, जिस कमरे में मैं रहती थी वो तो सिर्फ मेरी यादों में ही है। कहां से शुरुआत करूं मैं, तुम्हारी तारीफ की, तुम्हारी किस्मत की, या तुम्हारी प्लानिंग की तारीफ करूं? कैसे भी करके तुम इस घर में आखिर आ ही गई। आलिया मैं इस घर तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, डोंट यू डेयर अटर अ वर्ड। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सिर्फ सुनोगी। इस घर में सबको क्या बोलकर गई थी तुम कि आज के बाद मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, भाई से नहीं मिलूंगी, उनके सामने नहीं आऊंगी? तो फिर क्या हो गया, क्यों आई उनके सामने? और सामने तो आई उनके साथ, उनके पीछे पीछे इस घर में भी आ गए। आलिया मैं इस घर में नहीं आना चाहती। तुम्हें क्या लगता है, तुमने भाई को बोला कि नहीं मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे मत लेकर आइए, और भाई ने तुम्हें गोदी में उठाया और यहाँ पर लेकर आ गए? ये सब तो तुम्हारी चाल थी ना प्रज्ञा, कैसे भी करके इस घर में वापस आने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आलिया। जो तुमने किया है और जो तुम करना चाहती हो, मैं दोनों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अगर तुम्हें पता होता ना कि मैं क्या चाहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ओह, तो कोई और भी वजह है जिसकी वजह से तुम इस घर में आई हो? अनबिलीवेबल आलिया, आई मीन मेरे दिमाग से कैसे ये बात निकल गई, तुम तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने आए हो। तुम मुझे हराना चाहती हो, भाई के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। एक तरीके से आज इस घर में आके तुमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। Because the entire family hates you. सब तुमसे नफरत करते। पहले मैं परेशान करती थी, अब पूरी फैमिली मिलकर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। ऐसी हालत कर दूंगी मैं तुम्हारी कि तुम तो क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली इस घर में तो क्या, इस शहर में नहीं रह पाएंगे। जीना हराम कर दूंगी तुम सबका। मिस प्रज्ञा अरोड़ा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू एंड योर एंटायर फैमिली। यू जस्ट वेट एंड वॉच। दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा, आज आपने प्रज्ञा के साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों किया? जब से प्रज्ञा इस कमरे से गई है मैं एक ही बात सोच रही हूँ कि प्रज्ञा की बातों से लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है। गलत तो दीदी उसके साथ तकदीर ने किया है, आज फिर उसे अभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फिर दीदी आप तो खुद कहते हो ना कि हमारी प्रज्ञा कभी झूठ नहीं बोलती, तो फिर आज आप उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? जानती हूँ प्रज्ञा गलत नहीं है। तो फिर आपने ये क्यों किया? जानबूझकर किया मैंने, ताकि वो इस घर से चली जाए और ये नौकरी छोड़ दे। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उसके आने से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ऐसा क्यों दीदी? डरती हूँ मैं उस पर आने वाली मुसीबतों से। कैसी मुसीबत दीदी? प्रज्ञा के साथ अभी है। आए रब्बा, यही तो मुसीबत है कि अभी प्रज्ञा के साथ है। जानती है ना तू, तनु आज ही इस घर में आई है और प्रज्ञा भी आज ही आई है। जो जलन और जो नफरत मैंने तनु और आलिया की नजरों में देखी है प्रज्ञा को देखकर, उससे मुझे पक्का यकीन ये दोनों
प्रज्ञा के अगेंस्ट फिर कोई प्लानिंग करने की। कितनी बार तो उसको जान से मारने की कोशिश भी की, और इनकी प्लानिंग की वजह से आज मेरे अभी का ये हाल। इनकी प्लानिंग की वजह से विक्टिम तो मेरा अभी हो गया, और उसका हाल ये हो गया कि वो प्रज्ञा को ही भूल गया। अभी को कुछ याद आना शुरू हो जाए तो फिर उसको वही स्ट्रोक हो जाए जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। ये सदमा इस उम्र में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ओए गाइस, अब ये मेरा ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों? मैं यहाँ पर काम थोड़ी करने आया, यहाँ पर चिल एंजॉय करने आया, सो रिलैक्स। मुझे नहीं पसंद ये पार्टी, म्यूजिक, अंधेरा, ड्रिंक ज्यादा, खाना कम, पता नहीं कहाँ का फन है। दिस इज न्यू एज एंटरटेनमेंट। क्या खाक एंटरटेनमेंट है, बस लाउड म्यूजिक में उछलते रहो बंदरों की तरह, और इतनी दारू पी लो कि दूसरे दिन हैंगओवर। रात का मजा सुबह की सजा बन जाती है। तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है ना। और मैं कौन हूं? बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट। व्हाट द हेल, ये भाई इस बहन जी को क्यों लेकर आए? प्रज्ञा यहाँ होगी तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं, मैं इसे पार्टी में नहीं आने दूंगी। फॉलो मी। हाय। व्हाट्स अप सिस? हाय, हाउ आर यू? इतनी देर कहाँ लग गई? अरे चीफ गेस्ट हूँ, देर से ही आऊंगा। ये भी सही है, अब पार्टी लेट शुरू होगी तो लेट तक चलेगी भी। एग्जैक्टली। भाई एक सेकंड जरा साइड में आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अरे बोलो ना, क्या प्रॉब्लम? क्या थोड़ा पर्सनल है प्लीज। पर्सनल? देखो भाई बहन की पर्सनल बातें चलेगी तो तुम यहीं पर रुकना, किसी अनजान आदमी से बात मत करना और किसी के हाथ से बिस्किट मत लेना। चलो। What is this? I mean, आप अच्छे से जानते हैं कि एक प्राइवेट पार्टी है, उसमें आप अपनी सेक्रेटरी को ले आए। प्राइवेट पार्टी है तो क्या हुआ, वो मेरी सेक्रेटरी है, मैं जा जाऊंगा, वो मेरे साथ आएगी। भाई आप कमाल कर रहे हैं, अच्छे से जानते हैं अंदर के कैसे टाइप के लोग हैं। All these are like A class, elite class. उसमें अगर ये अंदर आएगी तो फिर ये खुद ही अनकंफर्टेबल रहेगी ना। In fact, वो यहाँ पर आना नहीं चाह रही थी, मैं उसे जबरदस्ती ले आया। भाई, I think आप उसको अभी घर भेज दो। और I'll tell. अब भाई काम खत्म, पैसा अजम, तो एक करो घर जाओ, सुबह 10 बजे आओ, ओके? लेकिन अभी तो आपने कहा था। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। लेकिन मैं कौन हूँ? बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो अब क्या करना है तुम्हें? 10 o'clock आना। एग्जैक्टली। बाय बाय, गुड नाइट, एंड इट्स टाइम टू डू द मैकरेना। दिल की बात दिल को बोलने दीजिए, अंदर जाएगा ना पूरा सच बाहर आ जाएगा। क्या लगता है तुम्हें कि मैं पहली बार ये पीने वाला हूँ? पहली बार तो नहीं पी रहे, लेकिन हाँ पहली बार आप अपने दिल की बात मुझसे छुपा रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यू नो आई डोंट लाइक दैट, सो प्लीज बी माय चाइल्ड। तनु, एक्सक्यूज मी, जितनी बार आप उसे देखेंगे उतनी बार मैं काउंट करूंगी टू आवर फ्रेंडशिप। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, वरना मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती। आलिया ने जिस तरह मुझे अंदर नहीं जाने दिया और फिर इनके थ्रू मुझे बाहर जाने को बोल दिया, क्या वजह हो सकती? ऐसे तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आएगी। मैं ऐसा करती हूँ, यहीं बाहर रुकती हूँ, जब तक ये बाहर नहीं आते और मैं इन्हें घर न छोड़ दूं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। द
दिस इज द 70th टाइम जो आप उसे देख रहे हैं। मैं उसे देख नहीं रहा, मैं ऑब्जर्व कर रहा। तो क्या ऑब्जर्व किया? यही कि बाकी लड़कियों की तरह नहीं शाय है, इसलिए तो नहीं डांस करी है। हो सकता है कि शायद वो इन सब के साथ डांस ना करना चाहते हो। क्यों? सब तो दोस्त है, दोस्त के साथ नहीं डांस करी तो क्या पप्पा के साथ डांस करेगी? अभी मैं है वो प्रेशर टू डांस विथ यू। कम ऑन, इट्स माय पार्टी एंड यू शुड एंजॉय, राइट? मुझे घर लेकर आइए। आपके घर चल, घर और थोड़ी दूर और चल। उठे, तुम मुझे घर क्यों लेकर आइए? घर क्योंकि घर में आप सोएंगे ना। तुमने कहा था मुझे कि तुम रास्ते में कहीं घुमाने ले जाओगी। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें सजा मिलेगी। ए जूता चोरी कर रही हो? लीव माय शू अलोन, मुझे बाहर जाना है। मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, किसी ने मुझे इस वक्त इनके साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट नीकू। अभी आवा, क्या किया है तुमने? हाँ, कुछ होश है तुम्हें? सुबह क्यों चिल्ला रहे, हो क्या गया? आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान भी हैं, हैरान भी हैं। काम ही तूने ऐसा किया है। दादी मैंने क्या किया? एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? अपने नाम, अपने काम, अपने इमेज, अपनी फैमिली के बारे में, किसी के बारे में एक बार भी नहीं ख्याल आया? मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। अरे राज भैया, मैंने किया क्या है? तो क्या तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है? कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि मैंने क्या किया? तू ही बता दे ना, ये सब क्या है? क्या ये मैं नहीं हूँ? तो तू ये नहीं है, है ना? मेरा मतलब है दादी, ये मैं ऐसा कैसे कर सकता? मैं मानती हूँ कि अखबार वाले नाम तो गलत छाप ही देते हैं कभी कभी, लेकिन ये क्या है? ये फोटो तो तेरी है ना, ये कैसे गलत छाप? हाँ दादी, ये फोटो मेरी है, मैं पार्टी में गया था, तनु भी वहाँ पर थी, पर मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं कि ये कब हुआ। एक्चुअली मुझे कुछ याद ही नहीं है दादी। अभी पेपर में तुम्हारी फोटोग्राफ्स है। अरे मीडिया वाले आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे, तुमको पता होना चाहिए कि कल रात को हुआ क्या था। याद हो या ना हो, पर ये हरकत तो तेरी ही है ना दादी। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, भी पब्लिक के सामने? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता दादी। अच्छा ठीक है, अभी देखो एक काम करो, अभी ये सब हटाओ, तुम सिर्फ ये याद करने की कोशिश करो कि कल रात को हुआ क्या था। राज भैया, कल रात को मैं पार्टी में गया था, तनु थी, आलिया, आलिया भी वहीं पर थी। मैं आलिया से पूछता हूँ कि आखिर ये सब है क्या। आलिया, दादी दादी आप परेशान मत होइए, पहले अभी को आलिया से बात कर लेने दीजिए। दीदी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा अभी ना ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात को। आलिया, 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 पिक अप द फोन, पिक अप द फोन आलिया। डैम इट आलिया, आलिया ये सब क्या है? आलिया क्या ये सच है? आलिया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या सच में ये सब कुछ हुआ था?
आलिया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मैंने सच में ये सब कुछ किया? हाँ भाई, ये सच है। आपने तनु के साथ, अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ और क्यों करूंगा मैं? और तुम भी तो वहीं पर थी ना, तो तुम ये सब होते हुए देख रही थी, तो मुझे रोक नहीं सकती थी क्या? भाई, I'm extremely sorry. मैं, I know, मैं आपके साथ ही, आप तनु के साथ डांस कर रहे थे, फिर मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से जब मैं बाहर आई तब आप तनु के ऊपर, I'm sorry भाई, you know, मुझे समझ नहीं आया उस वक्त मैं क्या करूं, मैं वहां रुकूं या आपको मैंने कैसे भी करके घर भेज दिया और तनु के साथ मैं रात को रुक गई बिकॉज शी वॉज इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट. कंटिन्यूसली रोई जा रही थी, बहुत ही बुरी हालत में थी और मुझे पता नहीं ये फोटो किसने खींची. और आई एम सॉरी भाई, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, लेकिन पता नहीं ये फोटो मीडिया में कैसे लीक हो गई और अब ये फोटो हर न्यूज पेपर, हर इंटरनेट, हर साइट पर है. आई एम सो सॉरी. बट भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ये सब कर सकते हैं. लिसन, कल भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले, सो कल का वेट कीजिए. एंड फॉर गॉड्स सेक, स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन. भाई, अब कोई और ऑप्शन नहीं है, यही सही है. समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ तनु के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी. हम लोग भी बाहर जाएंगे तो सब लोग हमसे सवाल पूछेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे. अब आप ही इन सबको बचा सकते हैं भाई. मैं शादी नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकते भाई? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस. मैं कौन सा आपको ये कह रही हूँ कि आप जाकर शादी का डेट बोल दीजिए, सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम दोनों शादी करने वाले हैं. एंड जो टाइम आपको बीच में मिलता है वो तनु के साथ स्पेंड कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको जानेंगे, उसे और पसंद करने लगेंगे और फिर जब आपको शादी करनी होगी तब कर लीजिए. अरे मैं तनु से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ. भाई अभी तो पॉसिबल नहीं है. आई मीन वो बहुत ही बुरी हालत में है एंड आई हैव टू सी कि किस सिचुएशन में है, कहीं ऐसा ना हो जाए आपको देखकर वो फिर से पैनिक करने लग जाए और आले अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफी मांगनी होगी, क्योंकि जब तक मैं माफी नहीं मांगूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा. आलिया, ओके, रिलैक्स भाई, जस्ट काम डाउन. मैं तनु से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, चीजें ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, उसको और कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा. मिस यू, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा. फाइन, आप तैयार हो जाइए. ओके. इतने सारे पेपर्स को डेट वाइज अरेंज करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, पर करना तो पड़ेगा. नहीं किया तो आलिया को एक और मौका मिल जाएगा मुझे इनके सामने नीचा दिखाने का. वो मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश करेगी और मैं ये होने नहीं दूंगी. मैं उससे मिलकर आऊं क्या? नहीं नहीं भाई, जस्ट रिलैक्स. मैं ऊपर देखकर आई हूं, बहुत ही टेंस सिचुएशन है. उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंस है. उसकी मॉम अभी भी आई, रो रही थी और कुछ ऐसे जैसे करके मैंने उन्हें चुप कराया. ऊपर जाएंगे तो उल्टा आपको ही सुना देगी. मैं मिला ना उनकी मॉम से, बहुत गुस्से में थी, सुनाकर चली गई वो. सी आई टोल्ड यू. लेकिन डोंट वरी भाई, मैंने उनको समझा दिया कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी ये सब कुछ करने की एंड यू आर वेरी सॉरी अबाउट दिस. और मैंने उनको बोल दिया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार. तुमने ऐसे क्यों कहा? अरे एक बार मुझे उससे मिलने तो दो. भाई मिलकर क्या करेंगे, वो ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में है. मैंने आपको बताया ना उसकी मॉम की क्या हालत थी, रो रो कर मुझे बोल रही थी कि दिल्ली से सारे रिलेटिव्स उन्हें कॉल कर रहे हैं. और तनु को तो मीडिया कॉल कर करके परेशान कर रही है. ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत है पूरी फैमिली की और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ और ऐसा बोलूं जिसकी वजह से वो और ज्यादा बुरा फील करें. और इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए मैंने जैसे भी करके उसको मैनेज किया और उनको बताया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार.
ऐसे हालात में क्या स्पेशल करूं? स्पेशल चाय पिला दूं उसे, हाँ, फिर प्रपोज करूं? कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने फिल्में नहीं देखी क्या? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हीरो जाकर हीरोइन को प्रपोज करता है। लाइक अ प्रॉपर सीरियस प्रपोजल। एब्सोल्युटली प्रॉपर सीरियस प्रपोजल। एक अच्छा सा रोमांटिक एम्बियंस बनाइए, उसे प्रपोज कीजिए और इस तरीके से प्रपोज कीजिए जैसे वो कभी मना ही ना कर पाए। जो रोमांटिक एम्बियंस की तैयारी करने में टाइम तो लगेगा। हाँ तो जाइए आप तैयारी कीजिए ना, मैं कौन सा आपको यहाँ पर बोल रही हूँ प्रपोज करने के लिए। टेक योर टाइम, इनफैक्ट इतने अच्छे से सब तैयारी कीजिए कि जब तनु वहाँ पर आए तब वो एकदम सरप्राइज हो जाए। जो कुछ हुआ है ना, वी बोथ नो दैट इट्स वेरी अनइवेंटफुल। सब चीज़ों को भूल कर अच्छे तरीके से, मैं तो बोलती हूँ आप जैसे ही उसे प्रपोज करें वो आपको माफ भी कर दे, खुशी खुशी शादी के लिए भी हाँ बोल दे। एक और इम्पोर्टेंट बात। अब क्या है? जब तक तनु को आप प्रपोज ना कर दे और जब तक वो हाँ ना बोल दे, आई थिंक ये सही रहेगा कि आप ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें, दादी से भी नहीं।